नमस्कार, मैं हूं अमित। आप सभी को अपने YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल टूल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट वन। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज ऑफ फास्ट इन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फास्ट इन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फास्ट इन नेचुरल नंबर्स एंड एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज, एवरेज क्या है? मानो तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आए हैं, वो तुम्हारे घर में एक महीना रहेगा। कितना दिन? एक महीना। तो तुमने देखा वो पहला दिन कितना रोटी खाता है? 6 रोटी खाता है। नेक्स्ट दिन कितना रोटी खाता है? 5 रोटी खाता है। नेक्स्ट दिन 7 रोटी खाता है, फिर 5 रोटी खाता है, फिर 7 रोटी खाता है। तो तुमने देखा इतना रोटी खा रहा है, तो तुमको कितना आटा लेना पड़ेगा? तो तुमने कितना ऑब्जर्व किया? कितने दिन? पहले दिन 6 रोटी खा रहा है, नेक्स्ट दिन 5 रोटी, फिर 7 रोटी, फिर 5 रोटी, फिर 7 रोटी। तो तुमको क्या करना है एवरेज निकालने के लिए? जितना भी ऑब्जर्व किया हो उसको सम करना है, जोक करना है। तो 6 + 5 + 7 + 5 + 7, और कितने दिन ऑब्जर्व किए हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिन किए हो? 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन किए हो। तो तुमने देखा समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 23 = 23, 7 = 30। तो 30, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5, तो 5 = 6 = 30। तो तुमको एवरेज कितना मिला? 6 मिला। कैसे मिला? तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना आप ऑब्जर्व करो उसका सम, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा मैटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑड और ऑड नंबर, सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब एपी। तो हम लोग इस देख लेंगे एवरेज, एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। हम लोग पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसका एवरेज कितना निकला है? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। और कितना नंबर ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। 15 को 5 देकर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3। नेक्स्ट देख लेते हैं 8, 10, 12, 14। तो इसका एवरेज कितना है? 14, 12, 26, 26, 10, 36, 36, 8, 44। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4। 44 को 4 देकर डिवाइड करें तो कितना मिलता है? 11। नेक्स्ट देख लेते हैं 11, 13, 15, 17, 19। तो 19, 17, 36, 36, 15, 51, 51, 13, 64, 64, 10, 74, 75, 75 को 5 देकर डिवाइड करें तो 15। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25। तो 25, 20, 45, 45, 15, 50, 60, 60, 70, 75, 75 को अगर 5 देकर डिवाइड करें तो 15। तो देखो पहले नंबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका एवरेज 3 आया, इसका एवरेज 11, इसका एवरेज 15, इसका एवरेज 15 आया है। तो पहले में देखो एवरेज जो 3 आया है, ये मिडिल वाला आया है, मिडिल नंबर। इसका देखो मिडिल कितना संख्या है? 4 संख्या। इसमें 5 संख्या है, इसका मिडिल 3 है। इसमें 4 संख्या है, इसका मिडिल क्या है? 10 और 12 का मिडिल कितना है? 11। ये है मिडिल, मिडिल नंबर वाला नंबर आया है। और देखो 11, 13, 15, 17, 19, इसका मिडिल देखो 5 संख्या है, मिडिल वाला 15, ये एवरेज आया है। तो नेक्स्ट वाला है 5, 10, 15, 20, 25, इसका मिडिल क्या है? 15, यही एवरेज आया है। तो हम लोग ऑब्जर्व किया है चारों में कंसेक्यूटिव नंबर में मिडिल वाला नंबर एवरेज आया है। तो हम लोग एक रिजल्ट में आए, इस नंबर को एवरेज होगा मिडिल नंबर, कितना होगा? मिडिल नंबर एक रिजल्ट में निकला। सेकंड रिजल्ट देखो, सेकंड रिजल्ट क्या निकलता है? तो पहले वाला एवरेज निकला है मिडिल नंबर, सेकंड वाला देखो जो कंसेक्यूटिव नंबर है, देखो इसमें 5
फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज देखो, 5 और 1 6, 6 को 2 देकर डिवाइड करो 3, 8 और 14, 14 और 8 जोड़ो 22, उसको 2 देकर डिवाइड करो 11, फर्स्ट और लास्ट नंबर जोड़ो 19 और 1 30, 30 को 2 देकर डिवाइड 15, और 5 और 25 को जोड़ो 30, 30 को 2 देकर डिवाइड करो 15। तो हमने और एक रिजल्ट निकला हम लोगों का, जे एवरेज निकलने के लिए और एक एवरेज निकलता है, देखा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज। तो कॉन्जुगेट नंबर का हमने देखा तो ऐसे तो ट्रेडिशनल मेथड में एक एवरेज निकलता है, और क्या देखा कॉन्जुगेट नंबर का मिडिल नंबर एवरेज होता है, और फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज एवरेज होता है कॉन्जुगेट नंबर का। ये है एक शॉर्ट मेथड। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, कॉन्जुगेटिव नंबर होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर हो सकता है कुछ भी, तो हम लोग एवरेज कैसे निकलेंगे, पहले नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, 2 देकर डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, पहले और लास्ट नंबर का एवरेज एवरेज निकल जाएगा। तो क्या है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है और पहले और कॉन्जुगेट नंबर होता है, तो फिर क्या है ना, पहले नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज ही एवरेज होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है 6 से 34 के बीच जितना भी नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है उसका एवरेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है पहला संख्या 5 से डिवाइड कितना है, 6 से बाहर 5 दुगना 10, 10 है पहला संख्या और डिवाइड वाला संख्या 10 है, और 34 से पहले का संख्या मतलब 5 से डिवाइड वाला लास्ट संख्या, तो क्या है ना 5 6 30 30 है। तो बोला है इसका एवरेज कितना है, मैंने बोला है अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, 5 से मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो पहला संख्या 10 है, लास्ट संख्या 30 है, तो एवरेज कितना होगा, पहला संख्या लास्ट संख्या जोड़ो 2 देकर डिवाइड करो, तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 40 बाई 2, तो एवरेज कितना निकल जाएगा 20, एवरेज कितना निकल जाएगा 20। एक क्वेश्चन सीवाई 1997 में आया था। तो क्या है ना, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, पहला संख्या और लास्ट संख्या जोड़ो 2 देकर डिवाइड करो, वही निकल जाता है एवरेज। ये है शॉर्ट मेथड, 2 सेकंड में आंसर, अगर देखो तुम ऐसे ही निकल सकते हो 2 सेकंड में। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट ट्रिक में, देखते ही आंसर शॉर्ट ट्रिक। पहला है एवरेज फास्ट, एवरेज ऑफ फास्ट इन ऑड नंबर्स, पहला है फास्ट इन ऑड नंबर्स, फास्ट इन ऑड नंबर्स, पहला है फास्ट इन ऑड नंबर्स। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये बताओ ये एवरेज ऑफ फास्ट इन ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो क्या आएगा आंसर, जितना नंबर दिया रहेगा उतना ही आंसर होगा, मतलब एन होगा। समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आ गया द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, हिंदी में है पहले 7 विषम संख्या की औसत कितना है, 6 7 8 9। मैंने बोला जितना भी क्वेश्चन में जितना संख्या देगा आंसर उतना ही होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले 7 ऑड नंबर क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 13, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या ना, इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 49 49, नंबर ऑप्शन में 7 7, तो आंसर कितना होगा 7। अगर देखो इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है 2 2 2, तो मैंने क्या बोला, पहला संख्या और लास्ट संख्या जोड़ो 2 देकर डिवाइड करो, वो भी 7 आता है, मिडिल वाला भी 7। तो क्या है ना, द एवरेज ऑफ द फास्ट इन ऑड नंबर्स, जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही आंसर होगा, तो देखो 7, बड़ा आसान है। नेक्स्ट ट्रिक, सेकंड नंबर ट्रिक, द एवरेज ऑफ द फास्ट इन इवन नंबर्स। अगर क्वेश्चन में दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है जी इतना नंबर का, इतना इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, तो जितना नंबर दिया रहेगा उसमें एक ही जोड़ना है, बस वही होगा आंसर, जितना नंबर दिया रहेगा उसमें एक जोड़ना है। तो अगर द एवरेज ऑफ द फास्ट इन इवन नंबर्स, फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस वन, एक जोड़ना है, इवन नंबर में एक जोड़ना है सिर्फ, और ऑड नंबर में जितना ऑड नंबर रहेगा वही आंसर होगा, और इवन नंबर में एक जोड़ना है सिर्फ। एक क्वेश्चन देख लेते, सब क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द फास्ट 50 इवन नंबर्स क्या होगा, पहला 50 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो मैंने बोला जितना नंबर दिया रहेगा उसमें एक जोड़ना है, बस वही हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 51, बस यही आंसर है।
एक सेकंड भी देख के आंसर, कोई नो पेन नो पेपर, कोई किसी का भी जरूरत नहीं है। अगर इवन नंबर देता दिया रहता है तो इसमें एक जोड़ना है, अगर ऑड नंबर दिया रहता है तो कोई नहीं जोड़ना, वही संख्या इसका आंसर होगा। अगर इवन नंबर तो उसमें एक जोड़ना है, बस यही होगा आंसर। नेक्स्ट ट्रिक में आता है, एवर जो फास्ट नेचुरल नंबर्स, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है एग्जाम में एवर जो फास्ट नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला क्या होगा, जितना नंबर दिया रहेगा उसमें एक जोड़ना है और पूरा दो देके डिवाइड करना है। उसमें एक जोड़ना है दो देके, उसके बाद दो से डिवाइड करना है। तो इसके बाद एक एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर बोलता है अगर एग्जाम में, तो फिर क्या करना है, नंबर में एक जोड़ना है और उससे दो देके डिवाइड करना है। तो एग्जाम्पल ए है, क्वेश्चन ए है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज कितना होगा, मतलब पहला प्राकृतिक संख्या, पहला 100 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। तो मैंने क्या बोला, जितना संख्या दिया रहेगा उसमें एक जोड़ना है, उसको दो से डिवाइड करना है। तो 101 को दो से डिवाइड करना है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 50.50, तो ऑप्शन नंबर सी। बस एक सेकंड में आंसर कोई नहीं है, एन प्लस 1/2 करना है, जितना नंबर दिया रहेगा, अगर नेचुरल नंबर रहता है तो उसमें एक जोड़ना है, दो से डिवाइड करना है, वही होगा इसका आंसर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, पहला एन संख्या औसम संख्या का औसत होगा एन। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहला एन संख्यक सम संख्या का औसत होगा एन प्लस 1, एक जोड़ना है। और द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन प्लस 1/2, एक जोड़ना है, दो से डिवाइड करना है। बस यही याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड में देख के आंसर होगा। एक ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन है इफ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, सात लगातार विषम संख्या का औसत अगर 45 है तो फाइंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो क्या होगा, मैंने बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो एवरेज क्या है ना, मिडिल नंबर होता है। कितना संख्या है, सात संख्या है, तो इधर 3, मिडिल वाला कितना होगा, एवरेज होगा, तो मिडिल वाला एवरेज 45 और इधर 3, तो क्या बोला था मैंने, मिडिल वाला संख्या एवरेज होगा इसलिए 45। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो क्या है ना, हम 45 उसके बाद क्या होगा, 47, 49, 51, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 51। 45 मिडिल नंबर क्योंकि एवरेज है, मैंने बोला था कॉन्जुगेट नंबर का एवरेज होता है मिडिल नंबर, तो सात नंबर तो इधर 3 रहेगा उधर 3 रहेगा, तो इसलिए नेक्स्ट इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 47, 49, 51 होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर इज 63 फाइंड स्मॉलेस्ट, अगर लगातार 6 सम संख्या का एवरेज है 63 तो स्मॉलेस्ट संख्या कितना होगा। मैंने बोला था यहाँ पे बोला है 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो मैंने बोला था 6 मिडिल वाला नंबर होगा एवरेज नंबर, तो इधर 3 इधर 3, इसका मिडिल है 63, तो एक इस नंबर क्या होगा, इस नंबर क्या होगा, 63 है, तो इस नंबर होगा 62, ये होगा 64, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 62, 60, 58, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 58 होगा आंसर। बस देख के आंसर बोल दोगे अगर आपको मेथड पता रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी 2000 में पूछे गया है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सात लगातार विषम संख्या का एवरेज 20 है, तो मैंने बोला सात लगातार संख्या मतलब इधर 3 रहेगा इधर 3 रहेगा, मिडिल में होगा एवरेज नंबर, एवरेज 20, कॉन्जिक्यूटिव इवेंट भी नहीं बोला है ऑड भी नहीं बोला है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार संख्या, तो 21, 22, 23, तो आंसर होगा 23, आंसर होगा 23, एक चांस में आंसर देखते ही, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर्स इज 102, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, बोला एवरेज 9 लगातार सम संख्या का एवरेज है 102, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस क्या है। तो पहले देखो, पहले आपको देखा है अगर एक संख्या से एक संख्या जाना है तो डिफरेंस क्या है, एक है, अगर तीसरे संख्या में जाना है तो डिफरेंस क्या है, दो है, और चौथे संख्या में जाना है तो डिफरेंस क्या है, चार है या तीन है, नेक्स्ट संख्या में जाना है तो चार है, तो इसी तरह अगर 9 संख्या में जाना है तो डिफरेंस कितना होगा, एक कम होगा, 8 होगा, अगर 2 में जाना है 1 डिफरेंस, 3 में जाना है 2 डिफरेंस, 4 में जाना है 3 डिफरेंस, 5 में जाना है 4 डिफरेंस, तो इसी तरह 9 संख्या में जाना है तो 8 डिफरेंस,
यहाँ पे बोला इवन नंबर। इवन नंबर मतलब इवन चाहे बोलो या ऑड बोलो, एक डिफरेंस मतलब क्या है, दो संख्या, एक डिफरेंस बराबर दो के होता है। मतलब क्या ना, अगर एक है ऑड नंबर, तीन भी ऑड नंबर होता है, तो डिफरेंस कितना है, दो, तो एक डिफरेंस बराबर दो होता है। तो नौ डिफरेंस है यहाँ पे, ए नौ नंबर है तो कितना डिफरेंस होगा, एट डिफरेंस। एट डिफरेंस मतलब 16 का बराबर होगा इसका, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आंसर होगा 16। आंसर होगा 16, समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे तो आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव नंबर इज 49, फाइंड लार्जेस्ट। लगातार 41 कंसेक्यूटिव नंबर का 49 है एवरेज, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पे 41 नंबर, आप तो 41 नंबर नहीं लिखोगे, जैसे एक एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, ऐसे तो ऐसे संभव नहीं है। तो फिर कैसे एक चांस में किया जाता है इस मैथ को, तो मैंने बोला अगर 49, अगर 49 एवरेज, तो 49 क्या है, मिडिल में रहेगा, 49 मिडिल में रहेगा। तो इसमें अगर 41 है तो इधर 20 नंबर, इधर 20 नंबर, तो मैं इधर बाद दे देता हूँ, और इधर 20 नंबर मतलब कितना संख्या है, कुल 21 संख्या है। तो मैंने बोला था अगर 49 को पहला संख्या मान लेता हूँ तो इसका गैप होगा कितना, 20, डिफरेंस कितना होगा 20, और एक डिफरेंस बराबर कितना है, दो के बराबर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कंजुगेटिव 41, सॉरी यहाँ पे कंजुगेटिव ऑड नंबर होगा, कंजुगेटिव ऑड नंबर। देखो 49 से यहाँ पे कितना संख्या, 21, तो डिफरेंस गैप कितना होगा, 20। तो मैंने बोला एक गैप दो के बराबर होता है ऑड नंबर पे, तो 20 गैप कितना के बराबर होगा, 40 के बराबर, 20 गैप 40 के बराबर होगा। तो 49 है तो लार्जेस्ट नंबर होगा, 49 से 40 जोड़ो तो 89, तो यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। क्या ना, ये पहला पांच संग लगातार 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 61, तो पहला संख्या और लास्ट हाईएस्ट संख्या लोएस्ट संख्या का डिफरेंस क्या होगा। मैंने बोला पांच संख्या है तो गैप कितना होगा, गैप होगा 4, एक गैप बराबर कितना होता है, 2 के, तो 4 के बराबर 8 के, तो आंसर सही आंसर होगा इसका 8। बस देख के आंसर सबको पता लग जाएगा, ये है आंसर इसका शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे इसका ख़त्म करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।